ये आप देखिए ऐसा वाला मशीन जो कि मैंने पहली बार देखा है। हेलो इरफान भाई, क्या हाल है? एकदम मस्त भाई, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। तुम बताओ कलकत्ता कैसा घूम? हां भाई, एकदम बढ़िया। चक जस्ट आप मेरे सामने देख सकते हो कितना भयंकर वाला ट्रैफिक है। ये सूरज हमारे साथ साथ में चल रहा है, देखिए काफी अच्छा नजारा भाई, एकदम बढ़िया। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। कोलकाता वालों, कोलकाता छोड़ के अब जाते हैं सीधा आसाम की ओर, सिलीगुड़ी की ओर। तो हेलो जी दोस्तों, आज लगभग मुझे ऑल इंडिया राइड को 43 दिन हो चुके हैं और पिछले 3-4 दिनों से मैं रुका हुआ था इरफान भाई के घर पे एंड काफी मजा आया, फुल कोलकाता में एंजॉय किया। एंड ये है इरफान भाई, इरफान भाई से। हेलो इरफान भाई, क्या हाल है? एकदम मस्त भाई, एकदम बढ़िया, एकदम मस्त। तुम बताओ कलकत्ता कैसा घूम? हां भाई, एकदम बढ़िया, चक मजा आ गया। और ये एक भैया और है, क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम जुनैद है। जुनैद, तो भाई अब जब भी अजमेर आएंगे तो भाई अजमेर बिल्कुल, भाई अजमेर आओ, इस साल ही आओ। और कहना चाहता हूँ कि अपने घर को रुको, एकदम तो लेट्स अभी चलते हैं आगे हम। लो भाई, आज का दिन बना है 4-5 दिनों बाद में कोलकाता को छोड़ने का। एंड कोलकाता छोड़ के अब जाते हैं सीधा आसाम की ओर, सिलीगुड़ी की ओर। एंड ये रास्ता है इधर, देखिए। तो 3-4 दिनों से मैं रुका हुआ था भाई के घर पे, इरफान भाई के घर पे, जो कि काफ़ी अच्छे आदमी है यार भाई, मज़ा आ गया। एंड अभी चलते हैं सीधा आगे, संपूर्ण भाई से मिलते हैं एंड फिर राइड को करते हैं कंटिन्यू। वो दिन आ चुका है भाई कि आज मुझे कोलकाता को भाई बोलना पड़ रहा है एंड अच्छा नहीं लग रहा है जरा भी, पर क्या ही करें, चलना पड़ रहा है यहाँ से। वैसे यहाँ से बिताए गए पल बहुत यादगार रहेंगे मेरी लाइफ के, और जैसे इरफान भाई मिले थे मुझे, बहुत ही अच्छा ट्रेवल कर पाया हूँ इधर से, बहुत अच्छा घूम पाया हूँ। अगर कोई नहीं होता इधर मिलने वाला तो शायद मैं इतने दिन रुकता भी नहीं यहाँ पर। ये सीधा 12 नंबर हाईवे जाएगा और 12 नंबर हाईवे सीधा सिलीगुड़ी तक पहुँच जाएगा। तो ये भाई ने एक ने मुझे दी है फ्रूटी, तो काफ़ी अच्छा लगा भाई के। कोलकाता के लोग बहुत अच्छे हैं भाई, मानवता। वो भाई ने हमसे बात नहीं की है, ये देखो उन भाई को भी दी, संपूर्ण भाई को। और कोलकाता के लोग, उस भाई ने मेरे से बात नहीं की थी, ये फ्रूटी दी एंड चला गया। तो भाई काफ़ी अच्छा लगा ये देख के कि इंसानियत देखो, ह्यूमनिटी देखो कितनी है, काफ़ी अच्छा लगा। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू कोलकाता वालों, बहुत अच्छा लगा कोलकाता मुझे। और मैं बहुत जल्द कोलकाता वापस आऊँगा, आई डोंट नो कब तक, लेकिन आऊँगा जरूर। जस्ट आप मेरे सामने देख सकते हो कितना भयंकर वाला ट्रैफिक है भाई साहब, अब इतने ट्रैफिक से निकलना और एक हाथ से शूट करना बहुत ही दिक्कत वाली बात है। देखिए ओहो भाई, एक लंबा सा ट्रैफिक लगा हुआ है इधर, भयंकर साइड देखिए। और कोलकाता में ये ट्रैफिक आम बात है क्योंकि इधर बहुत लंबा लंबा ट्रैफिक लगा हुआ मिलेगा। तो दोस्तों अभी ही रास्ते में हम चल रहे थे एंड रास्ते में चलते चलते हमें मिलेंगे सर। हेलो सर, क्या नाम है आपका? सुजीत चक्रवर्ती। कहाँ से हो? मैं बेसिकली त्रिपुरा से हूँ, अगरतला से। अच्छा, अभी फिलहाल इधर ही हूँ, मैं नेवी में था, अभी नेवी का जॉब लेफ्ट करके अभी मेरा बिजनेस चालू किया है कलकत्ता। तो सर का एक बिजनेस है इधर ही कोलकाता में, और कोलकाता में अभी मिले हैं, हमें रोका था और खाना वाना जो कि सारा कुछ सर ने ही खिलाया था, तो थैंक यू वेरी मच सर आपका जी। और ये हमारे दो भाई लोग, तो खाना पीना सारा कुछ हो गया है, अभी निकलते हैं हम आगे के लिए। तो अभी हमने जूस भी पिलाया है, सर हमारे साथ साथ ही चल रहे हैं और यहाँ पे जूस पिया है। और यहाँ पे एक मशीन देखिए, ये सर जी है, इन्होंने जूस बनाया। और ये मशीन देखिए, हाथ से इसे रोल करना पड़ता है, एक मिनट दिखा देता हूँ। ये आप देखिए ऐसा वाला मशीन जो कि मैंने पहली बार देखा है, इसे हाथ से रोटेट करना पड़ता है, ये देखिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, ऐसा मैंने कभी देखा नहीं है ये कोलकाता में आने के, मतलब जैसे ही राइड करना स्टार्ट हुआ तभी ऐसा कुछ देखने को मिला। तो ये सर है, इन्होंने जूस बना के पिलाया है, तो काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो एक ही चीज़ कहना है कि आप घर से बाहर निकलोगे तभी ऐसी ऐसी चीज़ें देख पाओगे। देख लो, एक प्यारा सा एक जंगल है, एक ऐसी रोड है, एंड यहाँ पे हम जूस पी रहे हैं, तो कितना अच्छा वक्त है, कितना अच्छा मोमेंट है ये। तो जस्ट फील दिस कि हम एक प्यारे से जंगल में हैं एंड यहाँ पे कितने पेड़ पौधे हैं आप देखने को मिलेंगे। आप देखिए
एंड बहुत ही बेहतरीन मजा आ रहा है, पर इधर फिर भी इंसान पीछा नहीं छोड़ रहा, इतना शोर शराबा हो रहा है भाई इतना ज्यादा। लेकिन देखिए आप इधर कितना अच्छा माहौल है, एंड जो पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे उसमें तो मजा ही आ जाएगा। तो मैं यही कहना चाहता हूँ भाई कि असल में जिंदगी यही है, क्या करेंगे भाई इतना पैसा कमा के। मेरे दादाजी हैं, उन्होंने पैसा कमाया अपनी सारी उम्र, लेकिन उन्होंने मेरी तरह ये ज़िंदगी नहीं जी है। अब चाहे मैं इसे खिटी पिटी ज़िंदगी बोलूँ या ऐसा यश वाली बोलूँ, लेकिन मेरी तरह ज़िंदगी नहीं जी है। दैट्स व्हाई कि मैं बोलता हूँ कि मेरी ज़िंदगी सबसे अच्छी है, अगर इतना पैसा लेके मैं ऊपर तो जाने वाला नहीं हूँ। एंड देख सकते हो कितना बढ़िया सीन है। तो ऐसे ही सीन्स आपको और देखने को मिलेंगे, फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा अगर हमारा ब्लॉग आपको पसंद आए तो, ना कि कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। और अभी हम जा रहे हैं कृष्णा नगर की ओर, एंड आप देख सकते हो भाई कितना काम चल रहा है, बहुत दिक्कतें हो रही है। ऑफ रोडिंग देख सकते हो आप कैसी ऑफ रोडिंग मिल रही है, एंड ट्रैफिक से बहुत ज़्यादा परेशानी होती है भाई, बहुत ज़्यादा। ओहो भाई देखिए आप, लेकिन बस ये ज़िंदगी का सबसे हसीन पल है। हाँ ये मोमेंट मैं बुढ़ा हो जाऊंगा जब तक भी मैं याद रखूंगा भाई कि मैंने ऐसी ऐसी जगह राइड की है। ये देखिए मज़ा आ रहा है भाई, ये चल रहा हाईवे सीधा, एंड ये सूरज हमारे साथ साथ में चल रहा है। देखिए तो काफ़ी अच्छा नज़ारा भाई, एकदम बढ़िया। अभी हाईवे पे हैं हम, ये हमारी साइकिल भाई की, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई राइड करने का। तो हाँ साहब इतना भयंकर वाला ट्रैफिक आप देख सकते हो आगे, एंड पीछे भी आप देख सकते हो एक लंबा ट्रैफिक चलता हुआ आ रहा है, यहाँ से बहुत भयंकर वाली दिक्कतें हो रही है। अभी चलते हैं, देखो रास्ता ढूंढते हैं और रुकने की जगह ढूंढते हैं। एंड आप देख सकते हो भाई कैसा ट्रैफिक लगा हुआ है मेरे पीछे, एंड आगे बहुत मुश्किल से चला जा रहा है। दोस्तों लगभग 5 बज चुके हैं, एंड भाई अभी सूरज ढलने वाला है, ऐसा लग रहा है जैसे अंधेरा जैसे होने लगा है। और आप देख सकते हो इस साइड भी हमारे पेड़ पौधे बहुत है, एंड इस साइड भी जैसा जंगली एरिया इस साइड तो ज़्यादा लग रहा है, और इस साइड भी आप देख सकते हो हैवी जंगल लग रहा है। देखिए भाई एंड ये हमारे अभी देख रहे हैं कोई जगह ढूंढ रहे हैं रहने के लिए, अब मन नहीं कर रहा चलने का, एक तो इतना ट्रैफिक है भाई, धूल मिट्टी डस्ट वगैरह बहुत उड़ता है भाई साहब। ये देखिए एंड बहुत लंबा ट्रैफिक लगा हुआ है इधर बहुत, तो हम अभी रॉन्ग साइड से चल रहे हैं। ये अब देखिए रॉन्ग साइड में गाड़ी आती है, डर भी लगता है। और इधर जो भाई ट्रक की ट्रक खड़े हैं, ये आप देखिए बहुत लंबा एक ट्रैफिक लगा हुआ है, ये आप देख सकते हो इधर इतना भयंकर वाला लंबा रॉन्ग साइड में भी ट्रैफिक लगा हुआ है, एंड ये राइट साइड है इधर भी ट्रैफिक लगा हुआ है और फुल टू फुल। एंड अभी इस कीचड़ से ये देखिए कितना भयंकर कीचड़ है पीछे, इस कीचड़ से देखो जूते वगैरह सारे गंदे हो गए, बहुत भयंकर वाला दिक्कत हो रहा है। देख सकते हो पूरे में कीचड़ कीचड़, देख सकते हो कंस्ट्रक्शन चल रहा है इधर, सो बहुत दिक्कत हो रहा है इधर। अभी सामने मंदिर पर ट्राई करते हैं या देखते हैं क्या करना है। तो दोस्तों अभी जैसा कि अभी मैंने मंदिर बताया था, ये मंदिर है, एंड मंदिर पे क्या पता क्या नाम लिखा है इस मंदिर पे, ये आप देख सकते हो मंदिर पे लिखा हुआ क्या है ये तो मैं पढ़ नहीं सकता, बट इसी मंदिर में रुकना होगा आज, कोशिश तो ये है, अंदर बहुत सारी जगह है तो देखते हैं, अगर पहले बात बन जाए फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या सीन है।